ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं कि हम जो इस वक्त दो मुमालिक के निशाने के ऊपर थे और हमने बेशुमार अपनी जानें भी गंवाई हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक तीसरे हमसे हमसाए की जानिब से इस तरह का हमला, वो हमारे लिए कैसे हालात पैदा करेगा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया यासिन। देखें कि बड़े सीरियस किस्म के ये हालात डेवलप हुए हैं। तवक्को नहीं थी कि ईरान ऐसा करेगा, लेकिन ईरान ने देखें कि हमारे लिए तो एक किस्म का इट इज ए बिट्रेल है। पाकिस्तान का जो ट्रस्ट था ईरान के ऊपर, और पाकिस्तान ने हमेशा ईरान की मदद की है, और स्पेशली जब उनको सेंक्शंस लगे हुए थे, जब इनकी आइसोलेशन थी, और हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी में और दूसरे जो पावरफुल कंट्रीज थे उनको प्रिवेंट किया है कि फ्रॉम टेकिंग सीरियस एक्शन अगेंस्ट ईरान। बट उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हमारा साथ ऐसा हुआ। अब देखें, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अब ईरानियन सॉइल यूथ पास में भी होता रहा है, और इसमें स्पेशली जब ब्रास बनी थी 2018 में, वो जो अफगानिस्तान में बनी, जिसमें बलोच मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें भी थे, जिसमें BLA, BLF और DRA थे, तो वो बेसिकली उनके हेडक्वार्टर्स दरमियान में शिफ्ट हुए थे ईरान में, और अभी भी है, और उनके लेटर्स भी वहां पे थे, और फिर वो ईरानियन सॉइल यूज करके पाकिस्तान पे हमले करते रहे, और उनका मेन टारगेट जो था चाइनीज भी थे, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस भी थे, और हमने अभी रिसेंटली देखा है कि इनका फोकस था, जब से गवादर की डेवलपमेंट हुई है तो वहां पे और चाबहार की वजह से, क्योंकि गवादर की वजह से चाबहार रेलीगेट हो गया है, पीछे चला गया है। तो इसके अलावा देखें कि जितने वहां पर टेररिस्ट आउटफिट थे वहां से ऑपरेट करते रहे, उनका फोकस था दैट वाज मकरान डिवीजन। बेसिकली जो पीछे अटैक हुए हैं, देखें कि इसमें अटैक में कोस्टल हाईवे पे अटैक हुआ जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 लोग शहीद हुए थे, और पर वो BLA ने क्लेम किया और वो ईरान से आए थे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ईरान जो बलोचिस्तान के थे नूर मोहम्मद मस्कनज़ई, उनके असैसिनेशन खारान में होगी, वो भी BLA ने एक्सेप्ट किया, वो भी ईरान से आए थे। कश में तुर्बत में डिफरेंट सारे अटैक्स हुए, वहां पे भी ये आउटफिट थे जो ईरान से आए थे। और इसके अलावा देखें कि जो पंजगूर में और नौशकी में जो FC कैंप पे हमले हुए, वो भी इन्होंने टेररिस्ट आउटफिट ने कबूल किया था, और उनका भी बेस ऑफ ऑपरेशन ईरान था। और इसके अलावा देखें कि ईरान से कुलभूषण जादेल जो था चाबहार में था, और वहां से वो ऑपरेट करता था, और अब हमने बलोचिस्तान में अंदर जब वो आया था वहां से वो पकड़ा गया था। सो वो हम लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते उन्होंने ये कैसे सोचा और मिसाइल फायर किया। बट इट इज एस्टेब्लिश कि ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले थे और ईरानियन इंटेलिजेंस इसमें शामिल थे, और उनके उन्होंने मिलकर ये प्लान करके अटैक किया है। इसके मुजमरात हम डिस्कस कर सकते हैं वो उन्होंने क्यों ऐसा किया। आप क्या समझते हैं कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर महाज खोलना, उसके पीछे मंतिक क्या होती? यानी यमन में, इराक में, उधर आप फलस्तीन ले लें तो वहां पर भी, उसके अलावा और भी दीगर महाजों पे, और अब अपने हमसाया मुल्क के साथ, ये एक पागलपन के अलावा और क्या होता है? जी हाँ, देखें ऑलरेडी हम कह सकते हैं 3 थिएटर्स उस वक्त खुले हुए हैं कि गजा और इसराइल और सराउंडिंग एरियाज में, और फिर इसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा थिएटर उन्होंने जब इसराइल ने अटैक्स किए हैं लेबनान में, सीरिया में, इराक में, और फिर अभी फिर एक और थिएटर खुला है रेड सी में, और अब एक और थिएटर खोलने की कोशिश की जा रही है, और वो ईरान के थ्रू हो रही है कि वो पाकिस्तान को वेस्ट एशिया में, पाकिस्तान को इसमें ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें उनकी तो जिम्मेदारी, आप ही ईरान के देखें अंदर, ईरान के अंदर डोमेस्टिक प्रेशर ईरान पे बहुत है, और ईरान की रिक्वायरमेंट ये थी, लोगों की पब्लिक डिमांड ये थी कि वो रिस्पॉन्ड करें टू इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स पे, तो वो उनको कवर अप करने के लिए जस्ट टू सेटिस्फाई दी डोमेस्टिक ऑडियंस, उन्होंने पहले स्ट्राइक किए हैं सीरिया में, उन्होंने कहा हमने IS के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया है, देन उन्होंने इराक में जो कुर्दिस्तान का इलाका है अरबील उस पर हमला किया, और इसके बाद अब पाकिस्तान पे उन्होंने ये मिसाइल वाला शोशा किया। तो ये एक किस्म का वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं जो उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी अपनी खुद कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां पर वो जवाब दे सके, क्योंकि वहां पे खुद उनको वो डरे हुए हैं कि अगर वो इसमें ड्रैग होते हैं तो वो जो बाकी जो तैयार बैठे हैं
जो इनके न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे, तो वो वाला इनका एक सीरियस फैक्टर इसमें आता है। और इसके अलावा देखें कि ईरान में डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने उनको वैसे इंडिकेट भी किया है, एविडेंस भी दिया है, इनको लेटर्स भी लिखे हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट, वहाँ पे जो बलोच मिलिटेंट्स थे, वहाँ पे उनकी जो सेफ हेवंस यूज कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ उनको दिया हुआ था, और जिसके बावजूद उन्होंने उस पर तो एक्शन कोई नहीं लिया। और जबकि यहाँ पे एक जैसे जॉइंट मैकेनिज्म बना हुआ है, 2013 में भी बना था, 2018 में भी बना था, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया गया था दोनों ममालिक ने कि बॉर्डर के दरमियान अगर कोई मसला होता है तो मिल बैठ के आपस में फैसला करेंगे। और अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने पास्ट में कुछ उनके जो सोल्जर्स थे यहाँ के लोग, कुछ वो अगवा करके पाकिस्तान लेके आए, तो उनको रेस्क्यू करके वापस हैंड ओवर भी किया था। लेकिन ये वाला एक्शन था, ये बिल्कुल देखे ना यूनिलैटरल डिसीजन था और अनप्रोवोक्ड था, तो इसकी मंतक तो समझ में नहीं आई। या पाकिस्तान को उन्होंने क्या समझा, पाकिस्तान को देखें ना, पाकिस्तान ने इंडिया को लगाम डाल दी थी, तो फिर ईरान के तो वहां बनती नहीं है। हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा पास में भी किया है, लेकिन मेरा ख्याल में ये अभी हाई टाइम की पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लिए जो अभी डिसीजन लिए हैं ये तो बिल्कुल सही लिए हैं, और लेकिन हमें इससे बढ़ के भी आगे सोचना होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, जब हमें अंदरूनी तौर पे भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, जो अंदरूनी तौर पे सिक्योरिटी मसाइल का सामना होता है, वो क्या सियासी हालात बेहतर हों तो कम होते हैं, मुआशी हालात बेहतर हों तो कम होते हैं, या दोनों हालात का बराबरी की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ना ही उसको कम कर सकता है? ये सिक्योरिटी और जो अब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, दर इंटरलिंक्ड। इकॉनमी अच्छी होगी तो ये आप फिर जो सिक्योरिटी के इश्यूज है डिफेंस के लिए वो उसमें आप चीजें एड्रेस कर सकते हैं। अगर इकॉनमी वीक होगी तो वो डिफेंस में यकीन उसका इम्पेक्ट होगा। जहां तक सिक्योरिटी की सिचुएशन है प्रिवेलिंग, देखें कि जब से तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान, और फिर जो यूनिलेटरल जो सीज फायर था टीटीपी ने एंड किया नवंबर 2022 में, तो उसके बाद भी सा इस सारी तेजी देखी जिसमें टेररिस्ट अटैक स्टार्ट हुए, और स्पेशली और उसके बाद फिर देखा जब 1 नवंबर की डेट थी जब हम लोगों ने वो जो इलीगल को डिपोर्ट करना स्टार्ट किया था, डेडलाइन थी, उसके बाद एक और हमने सारी देखी और फिर हमने अटैक्स देखे। मसूद अहमद खान साहब, मैं आवामी सर्वे करने के लिए निकला, राय लोगों की लेने के लिए, तो तासुर अमूमी तौर पे ये है कि लोग निज़ाम से खायफ हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि चेहरे बदल बदल के लोग आते हैं और हुक्मरानी करके चले जाते हैं, हमारा कुछ नहीं संवरता, अशराफिया मजीद अमीर तरीन होती जा रही है और हम गरीब तरीन होते जा रहे हैं। ये माइंड सेट किन वजूहात की बुनियाद पर पनपा है आप? आजकल सोशल मीडिया के दौर है और इसमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा हुई है और लोग पढ़ लिख गए हैं, इवन जो गांव में हमारे वहां पे अवेयरनेस है, अब लोग समझते हैं कि हमने किसको वोट देना है, क्या इन लोगों ने पिछले या अपने टेनोर में हमारे लिए कोई काम किया या नहीं किया है, तो वो अवेयरनेस के साथ है। तो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली वहां पे लोगों की अभी ये सोच जहन में आ रही है कि जो पुराने चेहरे हैं उनको तब्दील करके नए लोग सामने आ जाएं। तो मेरा ख्याल उस तरह के एक डेवलपमेंट है, तो लेट्स होप कि ये इस इलेक्शन में किस तरह की सिलेक्शन होती है और किस तरह के लोग वोट्स के जरिए असेंबली में आते हैं।